दोस्तों NIOS DLED के लिए यहाँ पर एक बड़ी अपडेट जो है वो देखने को मिल रही है। अगर हम बीते हुए कल की बात करें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कुछ भी फैसला दिया गया उसी के बारे में अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे। लास्ट तक आप बने रहिएगा। यहाँ पर NIOS DLED की बात की जाए तो अभी आपने देखा कि इनका चूंकि डिस्टेंस एजुकेशन प्रकार का होता है, आपने ये भी देखा होगा फीस की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं कम देनी होती है। आप घर पर रह करके कहीं ना कहीं कोर्स जो है वो कंप्लीट कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक रेगुलर DLED या BTC से किस तरीके से अलग होता है, आप इसी के आधार पर उसे बता सकते हैं। यहाँ पर जब प्राइमरी से अब ये पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं ये बात तय है। नैनीताल हाई कोर्ट की बात करें तो जिस तरीके से ये कहा गया कि कोर्ट ने कहा कि हम इसे समकक्ष मान लेते हैं DLED के, यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आप इसे DLED जो परमानेंट आपका 24 महीने का 2 साल का कोर्स है उसके बराबर आप बिल्कुल से इसे नहीं मान सकते। और ऐसे में यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से अब जो है वो NIOS DLED कहीं भी तरीके से किसी भी तरीके से प्राइमरी में वैलिड नहीं है। बात आती है BPSC और बाकी उसको लेकर के, तो एक चीज़ याद रखिएगा, उन्होंने स्पष्ट ये मेंशन किया है कि जो नई शिक्षक भर्ती होगी उसमें NIOS DLED मान्य नहीं होगा। तो अगर उसको हम आधार मानते हैं, अभी भी कहीं ना कहीं ये बात जो है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, लेकिन अगर उसको हम आधार मानते हैं तो जो BPSC और अन्य जो भर्तियां हुई हैं, चाहे हम आपके कोर्ट की बात करें, KVSPRT की बात करें, या फिर यहाँ पर BPSC की बात करें, या जो भी भर्तियाँ हैं उसमें NIOS सुरक्षित है। अगर हम नई भर्ती जिस तरीके से वहाँ पर जो एक कोर्ट का ऑर्डर आया है उसके हिसाब से या उसके आधार पर बात करें, लेकिन यहाँ पर कुछ ही दिन में स्पष्टीकरण जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल के लिए भर्तियां जो है वो इतना आसान भी नहीं है कि उन्हें आप ऐसे में उन्हें जो है ऐसे में टच किया जाए, और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा और उसी के हिसाब से चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं क्लियर होंगी, लेकिन ये समय बताएगा। और फिलहाल के लिए जो एक फाइनल मैं एक लाइन में आपको बता दूं कि जो नई शिक्षक भर्तियां हैं उसमें NIOS DLED को बिल्कुल से जो है वो इनवैलिड कर दिया गया है, मतलब अब इनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। प्राइमरी में ये आ नहीं सकते, बाकी अपर प्राइमरी और उसके लिए ये उसमें जा नहीं सकते। यहाँ पर आप न्यूज़पेपर में भी इसी चीज़ को बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। शीर्ष कोर्ट के फैसले के बाद DLED डिप्लोमा धारक नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते, जो भी नई आएगी उसमें शामिल नहीं हो सकते। ठीक है, बाकी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप हमारे लिए लिख सकते हैं।